बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप चैनल पर देख सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सभी न्यू एडिशन आलस अग्रवाल की न्यू एडिशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस आपको अपलोड कर दिए गए हैं, सो वो आप देख सकते हैं। राइट नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 इज गिवन दैट x / x - 1 + x - 1 / x। सो गाइस हम लोग यहां पे इसको एलसीएम ले लेंगे, x - 1 x * x - 1, राइट। एक माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स माइनस वन रह जाएगा तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, सो वी कैन राइट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। नाउ 4 4 16 प्लस 1 17 अपॉन 4, इतना समझ आया? अभी तक हमने सिर्फ सिंपलेस्ट वे किया है, ठीक है ना, आगे भी सिंपलेस्ट ही करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी को मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, माइनस टू ए बी टू एक्स वन, तो यानी कि टू एक्स रह जाएगा, ठीक है, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। नाउ गाइज आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। नाउ गाइज जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 की स्टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड 17 के स्टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 8x² माइनस 4 2 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 17x² स्क्वायर माइनस 17x। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है और सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 8x स्क्वायर, सबसे पहले सारी टर्म्स क्या करते हैं, हम लोग राइट साइड ले आते हैं, ठीक है, तो ये हमारी 17x स्क्वायर माइनस 17x, अब जो उधर हमारी लेफ्ट साइड में टर्म है इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो गाइज यहाँ पर क्या आएगा हमारा, प्लस 8x स्क्वायर तो राइट साइड में आएगा तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x, एंड प्लस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपने देखा ये वाले जो हमारे साइन थे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, राइट। नाउ ये सारी ये पूरी टर्म हम लोग राइट साइड ले गए, ठीक है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कितना रह जाएगा हमारा, 9x स्क्वायर, चलिए 17x प्लस 8x तो हमारा अगेन माइनस 9x एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ 9 4 36 होते हैं, 36 के ऐसे फैक्टर कि आपका क्या है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, एंड अगर एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 9 आए। नाउ गाइज अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 6 36, बट 6 प्लस 6 आपका क्या होता है, 12 होता है, 12 3 36, और 12 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारा 9 आता है, दैट मीन्स दिस फिट, ये फिट होता है, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ गाइज 9x और स्क्वायर और 12x, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 9 तो एलसीएम नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3x माइनस 4 कॉमन आ जाता है हमारा, एंड क्या रह जाता है ब्रैकेट में, 3x एंड यहाँ पर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, राइट। नाउ 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे
तो 3x इक्वल्स टू माइनस वन एंड x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री, राइट? तो दीज आर टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन 3. सो यू कैन से 0, 1 आपको गिवन था कि ये नहीं होनी चाहिए, ये है भी नहीं. तो हमारे टू आंसर है 4 अपॉन 3 और माइनस वन अपॉन 3, दोनों ही आपके राइट आंसर है. दोनों में से आप कोई सा भी आंसर आपका पॉसिबल है. ओके, क्लियर है ना गाइज? समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है ना. तब तक के लिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 का आपके टू पार्ट्स गिवन है. पार्ट टू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, पार्ट टू इज गिवन दैट x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, एंड यू हैव टू गिवन दैट x की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू और वन नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा हम लोग एक्सेप्टेड है, ठीक है? सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेम गाइज, हम जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं, एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है? तो 2x प्लस 1 से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. नाउ प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इक्वल्स टू 2. नाउ आगे सॉल्व करते हैं. ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे. ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस, अब टू एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड टू टू ज फोर एक्स अपॉन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x into x कितना हो गया, 2x square minus 2x plus x plus minus 1, right? Now equals to 2. Now आगे सॉल्व करते हैं, x square plus 4x square 5x square हो गया हमारा, ठीक है? माइनस 2x plus 2x कितना हो गया, plus 2x हो गया, plus plus 1 2 हो गया, ठीक है? Now 2x square minus x minus 1 equals to 2. नाउ गाइस, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वन होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन एंड न्यूमिनेटर में आपका टू रहेगा. सो आइए आगे सॉल्व करते हैं हम इसको फर्दर. फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 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 ज़ा फोर एक्स स्क्वायर माइनस, आगे क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा एंड माइनस टू, राइट? अब हम सारी टर्म्स को क्या ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड यहाँ पर सॉल्व करते हैं. 5x square plus 2x plus 2 minus 4x square minus minus plus 2x minus minus plus 2 equals to 0, right? Now, plus 5x square minus 4x square कितना हो गया, x square plus 2x कितना हो गया हमारा, 4x हो गया, plus 2 4 equals to 0. So, this is the final equation. Now, you have to factor 4 वन जब 4, ये 4 है आपका एंड यहाँ पर क्या है, 1 है आपका, ठीक है? नाउ गाइज, अब हम जब सॉल्व करते हैं 4 वन जब 4 एंड हमें अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आए एंड एड ही सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आया, आपका या 4 ही आए, ठीक है? तो 2 टू जब 4 होता है, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 एंड एड करें तो भी 4, ठीक है? सो वही हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, पेयरिंग कर लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. नाउ गाइस, दोनों से x प्लस 2 आपका कॉमन आ गया एंड ब्रैकेट में क्या रह जाता है आपका, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ अब जब हम गाइस x को x प्लस 2 के को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपका क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा, ठीक है? अगेन हम x प्लस टू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगेन माइनस टू आ गया. दैट मीन्स इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो भी क्या है, x इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है? तो ये आपका x इक्वल्स टू माइनस टू, दिस इज द वन आंसर, दोनों से आपका यही आया. सो यू कैन से x इक्वल्स टू माइनस टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस तरीके से पार्ट टू भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है. सभी इजिली प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे. सो समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एंड सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं, लिंक भी अवेलेबल है आपको, तो आप वहां से आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, सॉल्यूशंस देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस के सिलेबस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं. सो वो सभी आप वहां पे अवेलेबल है. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.